फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। हेलो दोस्तों, धूल धूप और पॉल्यूशन के कारण हमारे चेहरे का निखार और गोरापन समय के साथ चला जाता है और बेजान होकर काला दिखने लगता है। फ्रेंड्स, इसलिए आज मैं आपके लिए स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही मैजिकल रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप अपने फेस को इंस्टेंट फेयर बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, एक है मैदा, दूसरा है राइस फ्लोर यानी चावल का आटा, तीसरा है हनी यानी शहद, चौथा है मिल्क पाउडर, पांचवा है लेमन यानी नींबू, और अब लास्ट में हमें चाहिए टमाटर यानी टमाटो। दोस्तों, इसके लिए आपको एक क्लीन बाउल लेना है। अब इसमें एक चम्मच मैदा डालिए, फिर इसमें एक चम्मच चावल का आटा डालिए, अब इसमें एक चम्मच हनी ऐड कीजिए, फिर इसमें एक चम्मच मिल्क पाउडर डालिए, और अब इसमें आधा चम्मच लेमन जूस डालिए, और फिर इसमें दो चम्मच टमाटो जूस डालिए। दोस्तों, अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हमारा स्किन वाइटनिंग पैक बनकर तैयार है। दोस्तों, अब आपको इसे इस तरीके से अपने फेस पर लगाना है। फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि टमाटर एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है जो कि एक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है, और आपके चेहरे के ऊपर की डर्ट को ये खींच लेता है, जिससे आपकी स्किन इंस्टेंट ब्राइट होती है। और मैदा जो होता है वो आपकी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करके आपकी स्किन को फेयर बनाने का काम करता है। दोस्तों, चावल के आटे में स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी स्किन को इंस्टेंट फेयर बनाता है, जिससे आपकी स्किन बहुत ही फेयर और सॉफ्ट दिखने लगती है। और साथ ही मैंने इसमें लेमन जूस का यूज किया है, क्योंकि लेमन में साइट्रिक एसिड और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे आपकी स्किन फेयर होने में मदद होती है। और हनी आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है और उसमें एक नई चमक डालता है, और मिल्क पाउडर आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाकर उसे सॉफ्ट और मुलायम बनाता है। दोस्तों, आपको इस पैक को सूखने तक अपने फेस पर ऐसे ही लगे रहने देना है, और उसके बाद जब ये सूख जाए तो आपको इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं मेरे हाथों को वॉश करके आई हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में पहले से कितना ज्यादा निखार आ गया है। तो सेम आपको भी इसका रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो। और दोस्तों, इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपका फेस पहले से ज्यादा फेयर और ग्लोइंग हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू।